भारत में गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। हीट वेव की वजह से यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अब तक सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में गर्मी जानलेवा बनी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी ने कोरोना काल के भयावह दौर की याद दिला दी। एनसीआर में गर्मी ने 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शमशान घाट में अंदर जल्दी चिताएं और बाहर दाह का इंतजार करते शव। भट्टी जैसी तप रही दिल्ली में यह नजारा इन दिनों दिखाई दे रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 150 से अधिक लोगों ने मौत के बाद अस्पताल में शव रखने की जगह नहीं है। पिछले दो दिनों में दिल्ली के सड़कों से 50 से ज्यादा शव बरामद हुए हैं। शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए 1 से 2 दिन की वेटिंग चल रही है। प्रचंड गर्मी और हीट वेव के बीच दिल्ली के निगम बोध घाट पर एक दिन में बीते 19 जून को 142 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जो कोविड-19 महामारी के बाद सबसे अधिक है। 1 जून से 20 जून दोपहर 12:30 बजे तक निगम बोध शमशान घाट पर 1200 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है। कोविड के दौरान जून के महीने में शवों की संख्या 1500 थी। अभी इस महीने में 10 दिन बाकी है। यही सिलसिला जारी रहा तो कोविड के आंकड़ों की बराबरी भी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में हालात डराने वाले हैं। हिंडन शमशान घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कोरोना काल में भी इतने अज्ञात शव नहीं आए थे, मगर पिछले 3 दिनों से ज्यादा शव आ रहे हैं। यहां स्थिति संभालने के लिए गाजियाबाद पुलिस प्रशासन का सहारा भी लिया जा रहा है। अंतिम संस्कार के लिए शवों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। नंबर से शवों का अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। रोजाना 5 से 6 अज्ञात शवों का भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शवों की बढ़ती संख्या के दबाव को देखते हुए शमशान घाट पर व्यवस्था बढ़ानी पड़ी है। एक्स्ट्रा स्टाफ जोड़ा जा रहा है, वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं। ठंडा पानी पीने की व्यवस्था भी की गई है। लकड़ी के काउंटर पर एक्स्ट्रा लोग लगाने पड़ गए हैं। लोगों को असुविधा ना हो इसका हर तरह से ध्यान रखा जा रहा है।